साग बनाने के लिए लिया है मैंने 1 किलो सरसों, आधा किलो पालक, 250 ग्राम बथुआ और 100 ग्राम के करीब मेथी। साफ करके कट करके इसको पानी कुकर में चढ़ा दो और जब सीटी आ जाए तो 2 घंटे तक इसको ऐसे ही पकने दो धीमी धीमी गैस में। और उसके बाद उतारने के बाद जब कुकर की गैस निकल जाए तो इसका पानी निकाल कर उसके अंदर 1 गिलास पानी और डालें, इसको फेंटे बहुत अच्छे से या ग्राइंडर से चलाएं और इसके अंदर भी डालें 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मक्की का आटा और थोड़ा सा बाजरे का दलिया और इसके अंदर नमक और लाल मिर्च तोड़कर वापस चढ़ा दें इसको। और उसके बाद उतारने के बाद मैंने लगाया है प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का छौंक, देसी घी के अंदर हींग जीरा डालकर सब मसाले भूनकर इसको पकने देंगे। अब इसमें नमक और मिर्च गया है, बाकी कोई मसाला नहीं गया है, ना हल्दी गई है, कुछ भी नहीं गया है इसके अंदर। और ये सब्जी टेस्टी बनकर हो गई है तैयार हमारी।